अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग? ये हम काशी गए थे, कान में दर्द हो गया, इतने गाने लगाए हुए हैं इन लोगों ने। बहुत ही लाउड म्यूजिक लगाया हुआ था इतना ज़्यादा। और बस ये तो हम फौरन निकल गए थे इफ्तारी के बाद, तो हमें जो है वो मौका मिल गया कि जयान के बाल कट गए, अल्लाह का शुक्र है। अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ा, अपॉइंटमेंट के बगैर हाँ जयान के हेयर कट हो गया। ये देखिए भाई, ये तो मैं पहली दफ़ा गई हूँ यहाँ पे। लेडीज़ सैलून तो हम गए हैं, लेकिन जेंट्स सैलून में पहली दफ़ा गई। और फिर ये बराबर में कपड़ों की दुकान है, ये भी कभी नहीं मैंने देखी थी, दूर से ही देखा हुआ है, कभी करीब से नहीं देखा। तो अपने लिए यही बोल रही थी कि अपने लिए हम कभी काशीज़ नहीं गए कि हम हेयर कट कराए या कुछ, और ये जयान साहब के लिए हमें जाना पड़ा। हैं, मैं लकी हूँ। हाँ लकी हैं आप माशाल्लाह से। कल लेके गई थी तो कल इतना रश था अपने घर के पास ही, वहाँ तो बिल्कुल ही टाइम ही नहीं था। वो कहने लगे 1 घंटा लगेगा, मैंने कहा कौन वेट करेगा भाई। तो फिर आज लेके गए, अल्लाह अल्लाह करके खैर वो हो गया। यहाँ पे भी काफ़ी ही रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे भी, लड़के बच्चे बहुत ज़्यादा थे, बच्चे तो बहुत ही थे, और सबकी ये सबके पेरेंट्स लेकर आए हुए थे। तो ये एक अच्छा है यहाँ पे कि आप बैठ सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं होता। और एक बच्चा है वो डांस कर रहा है। आशीष ने वेट 1 घंटा। कौन सा समझ आ रहा है सर? सर बता दें सर। हीरो ब्रांड है क्या? हीरो बस VIP बना दो उसको, VIP पता चले कि काशी से बाल कटे। बारीक में स्ट्रेट स्ट्रेट उठा दें, ठीक है? बारीक करते हैं क्लोज में, ठीक है? थोड़ा कुछ बड़े आगे का पैसा उठा दें, ठीक है? तब तो यहीं पे बन, इतना घर भी नहीं बनता। बनेगा कटिंग में ऐसी करूँ आप बारे में, क्योंकि इसके ये फ्रंट पे गिरे रहते हैं ना, इसको ये उलझन करते हैं। फिर चांद रात है आज, कल ईद मुबारक होगी। और क्या गहमा गहमी हो गई, गिरा
बहुत अच्छा। लास्ट में तो सीन अच्छा था, लास्ट में जो देखने वाला सीन था क्या अच्छे लग रहे थे। मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा लगा उनका हेयर कट भाई, बड़ा थैंक यू बोल के आया है कह रहा आइंदा मैं यहीं से कटवाऊंगा। तो जी बस ये छोटा सा व्लॉग था, काफ़ी रश हो गया था जैसे ही चांद का ऐलान हुआ है ना, तो इतना ऐसा लग रहा था अब लोग भागते हुए आ गए इस पार्लर में, पता नहीं क्या था। खैर काफ़ी ऊपर भी काफ़ी रश था और काफ़ी आदमी तो सारे शायद ऊपर ही थे, नीचे बच्चों का था। आप ऐसी ही शक्लें बनाते हैं। कौन सी लेनी है, सारी है? ये नहीं है मैडम। अच्छा ये भी नहीं है, अभी भाई यही पूछ रहे हैं। या अल्लाह, तो है कौन सी? ये पड़ी है, ये पड़ी है। जेट स्पॉट ले लो, या ये ले लो, पीच ले लो। ये वाली है? नहीं है वो कह रहे हैं। नहीं है ना, ये 20 30 के लिए जल्दी बिक जाती है। मैग्नम लेनी? मैग्नम ले दो। नहीं ये डोनेट, हाँ डोनेट। अस्सलाम वालेकुम, हम तो घर आ गए, अभी पहुँचे घर और ऐसा रश हो गया, ऐसा लग रहा है कोई चांद का ऐलान नहीं, किसी जंग का ऐलान हो गया। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ के लोग भाई बड़े जज्बाती है, लग रहा है सब घर से निकला है बाहर। हम तो रोज़ा खोलते ही चले गए थे, उसके बावजूद इतना रश था काशीज़ में, लाइक लोगों ने शायद रोज़ा भी वहीं खोला है। तो बस जी अल्लाह का शुक्र एक बहुत बड़ा काम हो गया, और हमने अपना कोई काम नहीं कराया किसी पार्लर में हम नहीं गए अभी तक कि हम जो है कोई काम करा लें। मुझे पता है कि रश इतना होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, घर में जो हो जाता है बस हो जाता है। तो जी ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। क्या लाउड म्यूज़िक लगा हुआ था काशीज़ में, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, लेकिन हेयर कट बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे का, उसे बहुत पसंद आया। तो चलिए मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रात मुबारक सबको।